नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल रामबाण औषधि पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड के बारे में बताएंगे जिनको भूलकर भी गर्म नहीं करें, नहीं तो आपको कैंसर भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए औषधियाँ और नुस्खे लेकर आते हैं जिनको जानकर आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं और स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर खाने को गर्म करके ही खाया जाता है, लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जिन्हें दोबारा गर्म करके खाना नुकसान दे सकता है। इन फूड को भूलकर भी दोबारा गर्म ना करें। ये फूड सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अगर सुबह का भोजन शाम को खा रहे हैं या शाम का भोजन सुबह, तो यह कैंसर जैसी सीरियस प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है। भले ही वो भोजन आप गर्म करके खा रहे हैं या ठंडा ही, नुकसान तो करेगा ही। दोस्तों, खाने पीने की कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें गर्म करने से उनमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिससे वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बन जाती हैं। कई बार इससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गर्म करने पर उनमें मौजूद प्रोटीन खत्म हो जाता है और उसमें मौजूद कुछ तत्व कैंसर के कारकों में बदल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कुछ चीजों के बारे में जिन्हें दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है पालक। दोस्तों, पालक हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पालक का सेवन हम सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, सूप बनाकर या जूस बनाकर करते हैं। पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन के, विटामिन ए, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ई, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम पालक का सब्जी के रूप में सेवन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पालक को दोबारा गर्म करके खाना कैंसर का कारण भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद नाइट्रेट दोबारा गर्म करने के बाद कुछ ऐसे तत्वों में बदल जाते हैं जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अपने जीवन को खुशहाल, रोगमुक्त बनाएं। दूसरे नंबर पर है आलू। दोस्तों, वैसे तो आलू सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और करीब करीब हर घर में आलू को उपयोग में लाया जाता है। आलू में विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा आलू में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक भी होता है। आलू में हमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में मिलता है, जिसका कुछ हिस्सा फाइबर की तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों, आलू को खाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर इन्हें बनाकर बहुत अधिक देर तक रख दिया जाए तो इनमें मौजूद सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, और जब हम इसे दोबारा गर्म करके खाते हैं तो यह हमारी पाचन क्रिया पर विपरीत असर डालता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आलू को भूलकर भी दोबारा गर्म करके न खाएं। तीसरे नंबर पर है चुकंदर। दोस्तों, चुकंदर हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और साथ ही अन्य फायदे भी करता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, आयरन, विटामिन B1, B2 और विटामिन सी पाया जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। लेकिन अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि चुकंदर को खाने से पहले कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना है। ऐसा करने से इसमें मौजूद नाइट्रेट समाप्त हो जाता है। अगर चुकंदर ज्यादा बन भी गया है तो इसे फ्रिज में रख दें, फिर अगली बार खाने से कुछ घंटे पहले बाहर निकालकर रूम टेम्परेचर पर आने दें और फिर बिना गर्म करके ही इसे खाएं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। फिर है मशरूम। दोस्तों, मशरूम में विटामिन बी, विटामिन B2 और B3 होता है। इसे आप हमेशा ताजा ही खाएं, क्योंकि ये प्रोटीन का खजाना होते हैं। लेकिन दोबारा गर्म करके खाने से इसके प्रोटीन का कॉम्पोजिशन बदल जाता है और ये आपके स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर सकता है। मशरूम सामान्य तौर पर कहा जाए तो मशरूम को बनाने के तुरंत बाद खा लेना चाहिए, इन्हें फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। मशरूम का प्रोटीन काटने के बाद जल्द से जल्द नष्ट हो जाता है।
जो आपके पेट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, हमने एक फेसबुक पेज बनाया है रामबाण औषधि के नाम से, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस पेज को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पेज से जुड़ सके और आपको उस पेज के जरिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सके। तो दोस्तों, पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली बार ऐसी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।